ऐश्वर्या राय ने बच्चन फैमिली संग शेयर की ये चंद फोटोज। अभिषेक बच्चन संग देखें आखिरी पोस्ट। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की वजह से अमिताभ बच्चन का परिवार खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के इन पावर कपल के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों तलाक लेने वाले हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की अफवाहें पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। इससे जुड़ी कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन आज तक कपल ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। बीते दिनों फैंस ने नोटिस किया था कि ऐश्वर्या आज भी सिर्फ अभिषेक बच्चन को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं। आज हम आपको वो चंद फोटोज दिखाने वाले हैं जो ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार के साथ में शेयर की थी। ऐश्वर्या राय ने साल 2018 में इंस्टाग्राम में कदम रखा था। अपनी बेटी आराध्या संग ऐश्वर्या ने ढेर सारी फोटोज डाली, लेकिन फैमिली संग उन्होंने पहली ये फोटो शेयर की थी। इस फोटोज में वह अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ में दिख रही हैं। ऐश्वर्या ने ये फोटो बेटी आराध्या के जन्मदिन पर शेयर की थी, जिसमें पूरा बच्चन परिवार दिख रहा है। इसके साथ में फोटोज में आराध्या के फैंस भी दिख रहे हैं। दावा किया जाता है कि ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के बीच में मनमुटाव है, लेकिन इस फोटोज को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ऐश्वर्या राय का उनकी सास के साथ में कोई भी अनबन है। ऐश्वर्या राय ने साल 2019 में बच्चन परिवार के साथ मिलकर ही करवा चौथ का त्यौहार मनाया था। उसके अगले दिन एक्ट्रेस ने ये फोटो शेयर की थी। ये तस्वीर अभिषेक बच्चन के जन्मदिन की है। इस फोटो में अमिताभ बच्चन की क्यूट और छोटी सी पूरी फैमिली दिख रही है। ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अप्रैल 2024 के बाद एक भी पोस्ट नहीं किया है। ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पर अभिषेक संग ये आखिरी फोटो है। इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय ने आखिरी बार 11 अक्टूबर को पोस्ट किया था। एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन और बेटी आराध्या की फोटो शेयर की थी। आप सभी को बताते चलें, अभिषेक और ऐश्वर्या राय के तलाक के रूमर के बीच में ये सारी फोटोज बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। वैसे आप सभी का इन दोनों कपल के रिवोर्स के रूमर्स के बारे में क्या सोचना हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसी और इंटरटेनमेंट जगत की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।